हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आसुस लैपटॉप E410M की। ये है इसका बॉक्स और काफी शानदार है वो ये प्रोडक्ट है। और जो स्टोरेज है वो है 256 GB की PCIe वर्जन 3 जो थर्ड जनरेशन पे बेस है। उसके अलावा रैम है वो है DDR4 8 GB की रैम है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो है इंटेल पेंटियम क्वाड कोर N5030 सिल्वर, जो कि कुल मिला के एक अच्छा प्रोसेसर है। और जो प्राइस रेंज की बात करूँ तो वो है 30 से 33-34 हज़ार के आसपास। हालांकि प्राइस रेंज है वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी, पेंटियम के हिसाब से इस रेंज में i3 है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन अगर i3 आप लेते हैं तो वो आपको एक नॉर्मल HDD स्टोरेज में मिलेगा, SSD में नहीं मिलेगा। SSD का प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ताकि परफॉर्मेंस और बेटर एक्सपीरियंस है वो आपको मिल सके। तो करते हैं इसकी डिटेल अनबॉक्सिंग, जानते हैं इसके सारे फीचर, विंडोज़ करते हैं इसके अंदर इंस्टॉल। और विंडोज़ 10 होम वर्जन है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो भी मिलती है हमें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जेन्युइन चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को आप आगे जरूर देखिए। तो ये है अपने पास आसुस का बॉक्स और इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। बैक साइड की अगर हम बात करें तो कुछ फीचर्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे कि जो मॉडल नंबर है वो है E410M। और अगर इसमें कुछ मेन चीज़ों की हम बात करें तो आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ हमें जो कलर है वो काफ़ी शानदार मिल जाता है इसका, वो है प्रिकोक ब्लू। उसके अलावा जो LCD स्क्रीन है वो है 14 इंच की और फुल HD स्क्रीन है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो प्रोसेसर है वो है इंटेल N5030 और जो कि है एक इंटेल पेंटियम क्वाड कोर। उसके अलावा जो HDD है वो आती है SSD टाइप में PCIe थर्ड जनरेशन की और 256 GB का स्टोरेज है। और जो रैम है वो है DDR4 8 GB की ऑनबोर्ड रैम हमें मिलती है। उसके अलावा जो OS है वो आपको पता ही है, विंडोज़ 10 होम है और हमें सारे सीरियल की वगैरह दी हुई हैं। और साथ में हमें मिल जाती है ऑफिस 2019 इंक्लूड, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की कुछ बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग है वो किया गया है आसुस की तरफ से चाइना में, कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो है चाइना और इम्पोर्ट किया गया है महाराष्ट्र में। और MRP है वो है 38,990 रुपये और ये हमें 30 से 34 हज़ार रुपये के बीच के अंदर वो हमें मिल जाता है। तो जल्दी से हम करते हैं इसकी ये जो सील है वो ब्रेक और उसके बाद हम देखते हैं अपने मैन है वो आइटम को। और सबसे ऊपरी ऊपर यहाँ हमें मिल जाता है अपना ये मैन लैपटॉप। और लैपटॉप को उठाते हैं, हैवी नहीं है, एकदम लाइट वेट है और लगभग 1.7 kg के आसपास इसका वेट है। इसको रखते हैं हम एक बार यहाँ साइड में। नीचे की तरफ हम यहाँ देखें तो कुछ पेपर वर्क है, वारंटी कार्ड वगैरह है, ये सारी ज्ञान की सी बातें हैं, इनको भी हम रखते हैं साइड में। बॉक्स में कुछ और देखें तो इस साइड में हमें मिल जाता है ये एक पावर अडेप्टर छोटा सा, जो कि है 33 वोल्ट का। और यहाँ हमें एक सॉकेट और मिल जाता है जो यहाँ कनेक्ट होगा, वो भी आपको दिखाते हैं। और वो है ये वाला, तो ये है वो यहाँ है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो उतारते हैं इसका ये प्लास्टिक। और ये प्लास्टिक उतारने के बाद में हम आपको इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। इसको बड़े ही ध्यान से इसके अंदर डालना है, इसको हम ऐसे उल्टा ना लगाएं। इसको हम ये जो साइड है इसकी, ये वाली साइड है, ये इसको हम नीचे की तरफ करेंगे। और यहाँ जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो दोनों पिन हैं, ये पिन इसके अंदर जाएगी, तो हमें इस साइड से लगाना है। और एकदम आराम से है वो लग जाता है, ये एकदम आराम से लग गया है। अब और देखते हैं हम, इसके साथ में हमें एक पावर केबल है वो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन के लिए और मिलनी चाहिए और वो तो हमें नहीं मिलती है। तो कुल मिला के यही इसका पूरा एडेप्टर है, बाकी बॉक्स है पूरा खाली। तो चेक करते हैं हम अब अपने मैन लैपटॉप को। तो आते हैं अपने मैन लैपटॉप पे, इसको रखते हैं हम साइड में। ये है अपना मैन लैपटॉप, इस कुछ इस तरीके के कवर में आता है। और कलर है वो वाकई में काफ़ी शानदार है, मैट फिनिश है वो दिया गया है। और आसुस का यहाँ जो ये लोगो लिखा हुआ है आसुस का, ये काफ़ी शानदार है। बाकी इस्त्री में ये कुछ टेक्सचर दिया गया है इस साइज़ का। और कलर आप देख सकते हो शेड है वो काफ़ी चेंज करता है ये, और पिकॉक ब्लू है, काफ़ी शानदार कलर है वो है। अगर मोटाई की बात करूँ तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है और एकदम कॉम्पैक्ट टाइप का है वो ये अपना सिस्टम है। पीछे की तरफ हम इसमें बात करें तो यहाँ हमें इसके सारे मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग है वो है अगस्त 2021 का, तो लेटेस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग है, कोई वो नहीं है। ड्यूअल में स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं यहाँ नीचे की तरफ। और साइड की अगर पोर्ट्स की हम बात करें तो यहाँ हमें ये मिल जाता है एक USB 2.0 वाला पोर्ट, यहाँ एक इंडिकेटर मिलता है जो कि हमें बताएगा कि बैटरी है वो चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है। अगर दूसरी साइड की हम बात करें तो यहाँ अपने जो 33 वाट का जो चार्जर है वो लग जाएगा, यहाँ HDMI 1.4 लग जाएगी। ये 3.2 जनरेशन फर्स्ट वाली है, वो एक USB टाइप ए का पोर्ट है और ये USB टाइप सी का पोर्ट है जो कि 3.2
सेकेंड जनरेशन की है और साथ ही में यहाँ मिल जाता है हमें 3.5 mm जैक। अब करते हैं हम अपने मेन लैपटॉप है उसको ओपन, और ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि अंदर है वो कैसा दिखाई देता है हमें। यहाँ हमें नीचे की तरफ आसूस का है वो लोगो मिल जाता है, इसको भी साइड में उतारते हैं। और ये जो कलर दिया गया है ये भी इसी से मैच करता हुआ कलर है, इंटर है उसका कलर है वो चेंज दिया गया है। और जो बटन है वो काफ़ी शानदार है, मतलब एकदम मस्त बटन है, एकदम स्लोली है, चिकलेट कीबोर्ड है वो दिया गया है, और एकदम मैट फिनिशिंग है वो दी गई है, और साइज है वो एकदम कॉम्पैक्ट दिया गया है। टच पैड में यहाँ हमें है ये न्यूमेरिक पैड है वो इंक्लूड मिल जाता है। आसूस इस टच पैड के साथ काफ़ी ज़्यादा है वो प्रैक्टिकल करता रहता है। और यहाँ से हम इसे एक बार टच करके ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम आगे कैलकुलेटर खोल के या फिर कोई भी ऑफिस वगैरह खोल के वहाँ एक बार हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें HDMI वगैरह सारी चीज़ें हैं, जो मेजर चीज़ें हैं वो मेंशन की हुई हैं। यहाँ सोनिक मास्टर का लोगो है, जो ऑडियो क्वालिटी है वो दिया गया है सोनिक मास्टर से। इंटेल पेंटियम का लोगो है, N5030 सिल्वर है वो प्रोसेसर है, और ऑफिस 2019 का लोगो दिया गया है। बात करें मैन डिस्प्ले की तो ये है अपनी मैन डिस्प्ले, और मैट फिनिश है वो आती है डिस्प्ले, यहाँ है वो रबर दिए गए हैं। यहाँ सामने की तरफ हमें वेबकैम है वो भी मिल जाता है, और माइक्रोफोन का सपोर्ट है वो भी दिया जाता है। तो कुल मिला के लैपटॉप है वो काफ़ी शानदार है और एकदम कॉम्पैक्ट है। अब हम इसको बूट करते हैं, बूट करने के बाद में इसमें विंडोज डालते हैं, और आप वीडियो को आगे देखिए, उसके बाद में हम इसका बूट टाइम है वो भी चेक करेंगे, परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। तो करते हैं इसका सेटअप, तो करते हैं हम अपने लैपटॉप को बूट, और बूट करने के बाद में देखते हैं कि इसके अंदर का जो सिस्टम है वो कैसा है, और साउंड क्वालिटी वगैरह सब चीज़ें हैं वो हम चेक करेंगे। बैटरी इसके अंदर है नहीं तो हम पहले इसको थोड़ा चार्ज में लगाते हैं, उसके बाद में हम वो सेटअप है वो करते हैं। चार्जिंग पॉइंट है वो कनेक्ट कर दिया है, बैटरी एकदम से डेड थी, तो अब हम इसको बूट करने की कोशिश करेंगे। और पावर इंडिकेटर है वो यहाँ ऑन हो चुका है, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो पावर का ऑन है, और स्टार्ट हो चुका है अपना लैपटॉप। लैपटॉप हो चुका है अपना बूट, और काफ़ी स्मूथली है वो ऑन हो चुका है। विंडोज़ 10 है होम वर्जन, वो इंस्टॉल हो चुकी है। विंडोज़ 11 का अपडेट है वो भी इसमें आ जाएगा जल्दी ही, या फिर आ गया होगा, तो वो तो नेट कनेक्ट करेंगे हम तब पता चलेगा। उससे पहले हम एक बार सबसे पहले तो हम करते हैं इसको एक बार शट डाउन, और शट डाउन करने के बाद में हम इसमें देखते हैं कि अपने को जो बूट टाइम है वो ये कितने सेकंड्स हैं वो लेता है। तो हम स्टॉप वॉच चलाएंगे, और स्टॉप वॉच चलाने के बाद में हम देखेंगे कि ये जो बूट टाइम है वो कितना लेता है। तो करते हैं इसको हम स्टार्ट, और साथ में चलाते हैं हम अपनी स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच है वो अपनी रेडी है, और यहाँ से हम बटन प्रेस करेंगे और देखते हैं दोनों में एक साथ करते हैं 1 2 3, और टाइम देखेंगे कि कितने टाइम में है ये बूट हो जाता है। तो जो लोगो है वो स्टार्ट हो चुका है अपना, और आई थिंक ये 15 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में वो बूट हो जाना चाहिए इजीली। और ये 16-17 सेकंड में है वो बूट हो चुका है। टच पैड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार है। अब हम एक बार इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज खोल के देखेंगे, और एज में देखेंगे स्टॉप वॉच की टाइम है वो कितना लेता है। तो ये अपनी स्टॉप वॉच है, और जैसे ही हम इसको डबल क्लिक किया स्टार्ट कर दिया हमने, और विद इन टू सेकंड के अंदर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज है वो ओपन हो रहा है। अब हम इसमें एक बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ओपन करके देखेंगे, तो यहाँ से हम एक्सेल ओपन करते हैं, और लगभग 1-2 सेकंड में ये भी है वो ओपन हो चुकी है। हम इसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, और इसमें फिर टच पैड है वो काम में लेके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो जैसे ही हमने एक बार यहाँ टच किया, टच करते ही ये ऑन हो जाना चाहिए, और जैसे कि मैं यहाँ कुछ लिखना चाह रहा हूँ नहीं लिखा गया, एक बार फिर से यहाँ से टच करते हैं और ये नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ एक बार टच करते ही ऐसे ही ऑन नहीं होता, इसको 2 सेकंड के लिए हमें टच करके रखना पड़ेगा, फिर ये यहाँ इंडिकेटर जल जाएगा और ये ऑन हो चुका है। अब हम इसमें जो भी इंडिकेटर है वो लिख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो एकदम से जो भी है। अगर हम इसमें इंटर देते हैं तो नीचे वाले में आ गया, प्लस लगाते हैं तो प्लस का साइन आ गया, परसेंटेज लगाया परसेंटेज आ गया, और जो भी हम इसमें प्रेस कर रहे हैं वो एकदम अच्छे से प्रेस हो रहा है। 2 सेकंड के लिए दबा के रखा, ये ऑफ हो गया। अब हम इसमें दबाएंगे कुछ भी है वो दबेगा नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। ट्रैक पैड में जो आसूस का ये जो इनोवेशन है काफ़ी शानदार है,
और Asus ऐसी चीजें हैं वो करता रहता है। हायर मॉडल आते हैं Asus के ZenBook सीरीज या Vivo Book सीरीज के, उसमें तो यहाँ पूरा का पूरा टच फंक्शन, टच स्क्रीन है वो दी गई है, आप यहाँ भी कुछ देख सकते हो, यहाँ भी कुछ देख सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी यूनिक है इसके अंदर, और इस प्राइस रेंज के अंदर वाकई में यूनिक है। सबसे अच्छी जो बात है इसकी वो है 180 डिग्री की रोटेटिंग स्क्रीन, वो इसको काफ़ी शानदार बनाती है। हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में हम एकदम फुल है, वो 180 डिग्री है वो रोटेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, बैक साइड अगर आप देखोगे तो एकदम से इस तरीके से ये कुछ रोटेट हो सकता है आराम से। और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये कि हम किसी भी वे में है वो इसको आराम से काम में वो ले सकते हैं। तो रोटेटिंग स्क्रीन है ये, एकदम अच्छा जो लेवल दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है। अगर इसकी हिच की बात करें तो हिच है वो भी एकदम प्रॉपर है, हिच में कोई भी दिक्कत है वो नहीं होती है और एकदम स्मूथली है वो वर्क करती है। तो ये जो फीचर है ये इसको बनाता है एकदम फ्लैट और यूनिक, तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है। दो सबसे मेजर जो हाइलाइट्स हैं इसकी वो यही हैं, एक तो ये 180 डिग्री वाली रोटेटिंग स्क्रीन और दूसरी चीज़ है ये न्यूमेरिक कीपैड, तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है। ये अपना दिस पीसी है, दिस पीसी में हम जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ओएस है और 256 GB की SSD है, 237 अवेलेबल होती है जिसमें से 198 है वो फिलहाल अवेलेबल है, बाकी है वो विंडोज़ ने वो कवर कर ली है। अब एक बार हम इसकी पीसी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं और दिस पीसी में जाके यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो रैम है वो 8 GB की है और जो प्रोसेसर है वो है इंटेल पेंटियम सिल्वर N5030 और 1.1 GHz की है वो कैपेसिटी है। उसके अलावा जो रैम है वो 8 GB की ऑन बोर्ड रैम है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्टोरेज के मामले में SSD है तो कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप वैसे भी सही है। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो फिर आपको दूसरा मॉडल है वो लेना पड़ सकता है, बाकी SSD और परफॉर्मेंस है वो आपको चाहिए तो ये इस प्राइस रेंज के हिसाब थोड़ा सा प्राइस है वो ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन एक ये जो फीचर है ये हमें एक्स्ट्रा मिलता है और काफ़ी शानदार फीचर है, इसके में कोई कमी नहीं है इस फीचर की। बाकी जो फिनिश है और कलर है वो सब कुछ अच्छा है। बात करें अगर कीबोर्ड की तो कीबोर्ड भी काफ़ी शानदार है और यहाँ हमें होम पेज है, पेस्ट डाउन एंड और फंक्शन कीज़ है वो यहाँ दिया गया है, एक फंक्शन की हमें यहाँ भी मिलती है। और जो F फंक्शन कीज़ की जो सीरीज़ है यहाँ पे हमें सारे शॉर्टकट्स है वो मल्टीमीडिया के शॉर्टकट्स है वो मिल जाते हैं, स्क्रीन शॉट के वगैरह सारी चीज़ें। तो कुल मिला के सामान है वो अच्छा है, बस एक थोड़ा सा प्राइस 2-3 हज़ार रुपये मुझे इसका एक्स्ट्रा लगा, अगर थोड़ा सा डाउन होता तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। हालांकि अब भी बेहतर है और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लगी मुझे, एकदम शानदार है वो प्रोडक्ट कर रहा है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो वो पसंद आया होगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो बाय लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इसे वो परचेज कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर वो जरूर करें। और यहां ऊपर कॉर्नर में जहां मेरे यूजर नेम दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के, वहां जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।